आप में से कई लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो सोचते होंगे दूसरे लोगों को देखना देख के कि यार उसके पास ये है मुझे भी ये मिल जाए यार उसका सिलेक्शन हो गया इस पोस्ट पर मुझे भी हो जाए यार उसकी ये रैंक आ गई मेरा भी हो जाए है ना उसका ये पेपर निकल गया मेरा भी हो जाए ऐसा सोचते हो आप लोग लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है दोस्तों हम सोचते तो बहुत सारी चीजें कि यार हमको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए वो भी मिल जाए वो भी मिल जाए लेकिन क्या असलियत में हम उसके लिए मेहनत करते हैं क्या आप बताओ मेहनत करते हैं क्या शायद कभी कभी नहीं करते लेकिन बस सोचते रहते हैं बैठकर आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया या सोच रहे होंगे चलो हम फॉर्म फिल करेंगे हमें इस बार नौकरी मिलनी है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे पैसा मिलेगा फिर हम ये खरीद लेंगे वो लेकिन एक्चुअली में क्या हम उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई मेहनत कर रहे हैं क्या ये आपको पता होगा है कि नहीं तो दोस्तों तो एक बात हमेशा याद रखना ठीक है जिसको मैं हमेशा बोलता हूं और अपने जीवन में भी उसको उतारता हूं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो बोलता हूं ना हमेशा मैं आपसे तो एक बात एक बात एक बात बताओ कि कामयाबी मुझे मिले ना मिले कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है लेकिन मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है तो हम सोचते रहे सोचते रहे कि हमको ये मिल जाए मिल जाए लेकिन हम उसके लिए मेहनत ही ना करें और फिर हमसे बोले कि यार हमको तो कामयाबी नहीं मिल रही अब दोस्तों मेहनत करने के बाद कामयाबी ना मिले वो अलग बात है लेकिन मैं मेहनत ना करूं ये गलत बात है तो आप सभी लोग ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि दोस्तों आप मेहनत करो और आपको कामयाबी ना मिले क्योंकि मेहनत कभी भी किसी की बर्बाद नहीं जाती याद रखना इस बात को दोस्तों मेहनत भी एक प्रकार की एनर्जी है और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है लेकिन वो कभी वेस्ट नहीं हो सकती कभी बर्बाद नहीं हो सकती है तो मेहनत हमेशा करना करते रहो और वो भी ईमानदारी से लेकिन किससे ईमानदारी खुद से ईमानदारी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों रात के मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हैं आज का सेशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रात के दस बजे के इस रंगारंग कार्यक्रम में जहां पर रीजनिंग का हम लोग ऐसा ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का प्यार मुझे पूरा पूरा दिख रहा है दूसरी चीज दोस्तों कि आज हम लोग देखो मैंने आपसे बोला था ना कि मैं एनालॉगी को थोड़ा लंबा चलाने वाले हूं क्योंकि एनालॉगी में बहुत सारे टाइप्स हैं और शायद एक दो तीन चार क्लास भी हमारे लिए कम पड़ जाए तो आज मैंने एक और क्लास दोस्तों रख दी है एनोलॉजी ऑल टाइप्स की और आज ऐसे क्वेश्चन में आपके लेकर आया हूं जो बार 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 पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को डेली रात में दस बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है इसी चैनल को एक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग दोस्तों एस एस की तैयारी कर रहे हैं तो हुंकार बैच के 2.0 पॉइंट जीरो बन सकते हैं तो आप सभी लोग दोस्तों यहां पर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जा रही है बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप दोस्तों यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर डेली क्लास आपकी हो रही है फ्री क्लासेस सुबह से लेकर रात तक आप सभी लोग जुड़ सकते हैं इन क्लासेस में अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रही है तो अभी भी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऑफिशियल ये YouTube, ये अपना टेलीग्राम चैनल है और सही टेलीग्राम पर जुड़ना जब आप जुड़े तो इसको क्रॉस चेक कर लेना यही लिंक होना चाहिए वरना आप कोई दूसरे सेशन में आ चुके हो ठीक है दोस्तों यहां पर आपको सारी पीडीएफ क्लास के बाद में मैं डाल देता हूं सभी टीचर्स डाल देते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को जितने भी लोग रेडी है हमारे साथ दोस्तों सभी लोग जल्दी से रेडी का बटन दबा देना अगर आप सभी लोग फटाफट से रेडी हैं तो तो चलिए शुरू करते हैं एक और क्लास मार देते हैं भाई एनोलॉगी पर तैयार है आप लोग एक और क्लास एनोलॉगी करने के लिए और आज की क्लास में बहुत सारी चीजें कुछ नया भी सीखने को हमको मिलेगा और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि एनोलॉगी बहुत ज्यादा हमने कर ली इससे बाहर कुछ आएगा नहीं जो भी हमने सीखा ये आपके काम जरूर आएगा ये आपको भी पता चल चुका होगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो मैं तो भाई तैयार हूं रेडी हूं अपने टाइमर के साथ क्या आप सभी लोग भी रेडी हैं अपने पेन पेपर कॉपी और दिमाग के साथ आइए शुरू करते हैं क्लास को पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा शुरू करो चलिए बहुत बढ़िया प्रकाश यादव सौरभ जल पल्लवी सुमति शो मनिक गली बॉय गुल्ली बॉय गुल्ली बॉय कुंदन श्रेया हरिकृष्णा दास चलिए समय समाज दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसमें देखो यहां पर दोस्तों एक छोटा सा नंबर है बड़ा सा नंबर बनाना है क्या बोला मैंने आपसे छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर बनाना है तो या तो दोस्तों उसमें कुछ जुड़ रहा होगा या फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर दोस्तों स्प्लिट मेथड का यूज करिए स्प्लिट यानी कि आप नंबर्स को तोड़ के फिर कुछ लगाइए क्या लग सकता है तो एक काम करते सबसे पहले जोड़ के देख लेते हैं अगर दोस्तों इन दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस लें तो कितना बच रहा है यहां पर सत्रह और नौ आठ तो यहां से बच गया आपके पास उसके बाद बारह और छह दोस्तों छह अड़सठ जुड़ रहा है क्या ये सही है अगर सही है तो इसमें भी अड़सठ जोड़ के देख लेते हैं अगर मैं अड़सठ जोड़ता हूं तो आठ और, और एक सोलह हासिल एक छत पांच बारह एक सौ छब्बीस दोस्तों एक सौ छब्बीस है क्या हमारे पास ऑप्शन ले पहले वाला है अगर है तो फिर सही आ गया अगर ये फॉलो नहीं करता तो हम इस इसमें जाते ये नहीं करता तो इस इसमें जाते फिर कुछ और दिमाग लगाते ये सारी चीजें हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हम जल्दबाजी में यहां पर चलने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन रेडी स्टडी एंड बीस सेकेंड देखते हैं भाई इस कद्दू वाले क्वेश्चन को कितने लोग सही कर सकते हैं ध्यान रखना यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए मैंने आज आज जान बुझ कर प्रश्न ज्यादा उठाए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं भाई पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध अगर ऊर्जा यानी एनर्जी से है तो डीएनए का संबंध किससे होगा डीएनए का संबंध किससे होगा चलिए दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली है क्या आप सभी लोगों ने दोस्तों कहीं ना कहीं पर बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया जरूर पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी के सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में क्या बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल जो सेल्स होती है दोस्तों तो सेल का पावर हाउस बोला जाता है का काम क्या है कि दोस्तों ये क्या करता है इस तरह की केमिकल जो 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 एनर्जीज होती हैं हैं उसको सेल्स होते उसके उसके बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उसमें मदद करता है यानी कि ये सेल जो ये सेल के लिए पावर हाउस का काम करता है और क्या आप मुझे बता सकते हो दोस्तों जो ये एनर्जी जनरेट करता है वो एनर्जी ये कहां पर स्टोर करता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों एटीपी में करता है तो आप सभी लोग फटाफट से जरा मुझे बताइए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है क्या आपको पता है नहीं पता है? तो याद कर लेना इंपॉर्टेंट है एटीपी में स्टोर करता है एनर्जी जो ये बनाता है ठीक है अब दोस्तों बात आती है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी संबंधित है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एनर्जी को बनाता है यानी कि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एनर्जी इससे जुड़ी हुई है रिलेटेड है उसी प्रकार से दोस्तों डीएनए किससे रिलेटेड होगा डीएनए दोस्तों कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब होता है दोस्तों विरासत या कह सकते हो एक तरीके से हमारा जो पीढ़िया यानी कि हम किसके जैसे देखते हैं हमारा हर हाव भाव किससे ऐसा मिलता है हमारी जनरेशन क्या चली आ रही है ये किससे मैच करता है डीएनए से तो अगर हमारा डीएनए किसी से मैच कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारी विरासत का है हमारे ही पीढ़ी का है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट हाँ जी एटीपी का फुल फॉर्म टाइप किया गया आपने एडीनो ट्राई एक लिख रहा है एडिनो ट्राइ हाँ अब सही लिखा एडिनोसिन एडिनोसिन सिट ठीक है दोस्तों बिल्कुल सही लिखा आप यहां लिख नहीं रहा एडो एडिनोसिन एडिनो ए डी आई एनो एस आई एन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बिल्कुल सही है चलो अगला क्वेश्चन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वेरी गुड पता तो है फिर आप लोगों को आप तो होशियार हो चलो आज देख लेते हैं ये है दोस्तों चौदह छह पंद्रह इक्कीस बनाना क्या हमको ओ क्यू एम ठीक है या डायरेक्ट कर लेते हैं ये दोस्तों नौ है पंद्रह है सत्रह है और तेरह है दोस्तों चौदह से नौ कहोगे माइनस का पांच सोलह सॉरी छह 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 से पंद्रह छह से पंद्रह प्लस का नौ पंद्रह से दोस्तों सत्रह प्लस का दो और इक्कीस से तेरह माइनस का आठ ऐसा कुछ दिख रहा है हमको देखो भाई सबसे पहली बात ध्यान सुनना कि हम सबसे पहले सीधा सीधा करके देखेंगे कर, देख नहीं देखना है यदि ये फॉलो नहीं करेगा तो हम टेढ़ा तेड़ा करेंगे वो भी फॉलो नहीं करेगा तो स्प्लिट कर देंगे बीच में से तोड़ देंगे तो पहले करके देख लेते हैं यह है दोस्तों आपके पास बीस सोलह दस और तेरह तो पहले वाले में अगर मैं दोस्तों माइनस का पांच करता हूं उसके बाद प्लस का नौ फिर प्लस का दो और फिर माइनस का आठ तो अगर दोस्तों माइनस का पांच करते हैं पंद्रह पंद्रह मतलब कि ओ ओ हमारे पास है ठीक है अगर मान सकते हैं है सही है सोलह प्लस नौ पच्चीस पच्चीस का मतलब दोस्तों वाई हो जाएगा ओ के साथ वाई वो तो सब में दिख रहा है फिर दस में दो जोड़ा तो बारह हो जाएगा ओ के साथ वाई एल सॉरी 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 मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हाँ, कुछ तो करी है, करी 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 दस दो बारह आई थिंक थोड़ा सा मिसपिड है यार अच्छा अगला वाला चेक कर लो तेरह में से घटाओगे तो कितना बचेगा पांच यानी ई दोस्तों यार ओ वाई एल ई होना चाहिए था अगर मैं यहाँ पर प्लस टू करता क्योंकि पंद्रह प्लस दो सत्रह आएगा सत्रह दो जोड़ना चाहिए यार यहाँ है ना ठीक तो ये कभी कभी हो जाता है गलती से कोई बात नहीं एक काम करते हैं इसकी जगह पर दोस्तों अपन इसको चेंज कर लेते हैं क्या होना चाहिए ओ वाई एल ई तो ओ वाई एल ई ओ वाई एल ई ओ ये कुछ गलत छप गया आप देख सकते हो कि दोनों में सेम छप गया चलो एक काम करते हैं इसमें कर लेते हैं ओ वाई एल ई ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है हो जाती कभी कभी ओ वाई एल ई क्लियर हो गया सबको तो आंसर आएगा ओ वाई एल ई लॉजिक ये बनेगा अब के लिए सबके लिए ठीक है ओइली ओइली इज द करेक्ट आंसर अगला प्रश्न आंसर तीस सेकेंड निवेश साहू बहुत जल्दी आएगी बेटा ठीक है मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी आने वाली है आपके लिए चलो देखो इसको देख लेते हैं दोस्तों सोलह से एक सो बना रहा है क्या है कोई आइडिया आपके पास सोलह से एक सो कैसे हो सकता है सोलह का गुणा सीधा सीधा ग्यारह में करो कितना मिल रहा है छिपर मिल रहा सीधे सीधे भाई इसके बाद का गुणा दोस्तों किस में कर देंगे हम में कर देंगे करके बताओ भाई साथ एकम, साथ यूनिट पे हमको क्या चाहिए सात चाहिए यूनिट पे दोस्तों सात हमारे पास केवल केवल दो में आ रहा है भाई चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही क्लोज वैल्यू है तो चेक कर लेते हैं तो अगर दोस्तों मैं इसको चेक करता हूं तो यहां पर हो जाएगा आपके पास ग्यारह यहां पर हो जाएगा सत्ताईस मल्टीप्लाई करेंगे सतर और हो जाएगा 22 टू नाइनटी सेवन आंसर आ जाएगा भाई टू नाइनटी सेवन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है देखते कितने लोग सही कर सकते हैं उसको करेक्ट आंसर देने वाले को मिलेगा दोस्तों दो समोसे इनाम में वो भी गरम गरम देखिए कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीखेंगे इस वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखेंगे हालांकि आप लगा सकते हो मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेल चलिए बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड गजब दिमाग लगाया आप लोगों ने चलो तो एक काम करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर एल नीनो क्या है वो समझेंगे है ना लेकिन उससे पहले ये समझते हैं अच्छा मिराज आप सभी लोग को पता होगा मिराज आपने कहीं ना कहीं पर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्या कि दोस्तों जो रेगिस्तान होता है रेगिस्तान के ऊपर जो रेत होती है मिट्टी वो रेत जब गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा हीट यानी कि गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी दोस्तों गर्म हो जाती है इतनी ज्यादा कि जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या है कि ऐसा लगता है जैसे कि पानी यानी कि कुछ पानी का हिस्सा या कोई नदी सी या छोटे तालाब टाइप का कुछ पानी जैसा हिस्सा पड़ा है ना आपने चीज डामर की रोड पे भी देखी होगी तो डामर की जो ऐसा लगता है उल्लू बना रहा होता है एक्चुअली होता नहीं है, बट ऐसा दिखता है तो दोस्तों यहां पर डेजर्ट में गर्म हो जाने की वजह से मिराज फॉर्मेशन होता है अब बात आता है दोस्तों ओशन महासागर तो महासागर में भी ऐसा कुछ होता होगा अब दोस्तों ये बताओ महासागर में क्या वेल मछली होती है मतलब कहाँ यार इतना बढ़िया फिजिक्स का कॉन्सेप्ट एक जगह कह रहे हो वेल मछली महासागर में क्या होता है सर जब पानी जो है वो गर्म की वजह मतलब हीट की वजह से गर्म हो जाता है सन तो उसके ऊपर जो है वो वेल मछली बन जाती है चलो तो एक काम करते हैं दोस्तों पहले अपन समझते हैं कि ये एल नीनो है क्या तो भाई देखो विजुअली समझोगे तो शायद चीजों को अच्छे से हम लोग हमेशा याद रखते हैं ये एल नीनो क्या है दोस्तों आइए समझते हैं एल नीनो दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो एल नीनो जो है दोस्तों ये एक प्रकार का यहां से देख लेते हैं दोस्तों एल नीनो जो है ये एक प्रकार का कह सकते हो एक कौन चला गया हाँ एल नीनो क्या है दोस्तों ये है एल नीनो एल नीनो का मतलब एक छोटा लड़का होता है ये इंसान का नाम है यार गूगल भी कभी कभी से गदों बातें करता है देखो भाई एल नीनो दोस्तों एक ओशियनिक महासागर में होने वाला एक ऐसा एटमोस्फियरिक फिनोमिना यानी कि एक ऐसा दोस्तों एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है उसकी ऊपरी की जो सतह होती है वो क्या हो जाती है गर्म हो जाती है और उससे वही चीजें होती ऑसिलेशन होते हैं जैसा कि यहाँ पर हमने देखा मिराज में तो एल नीनो जो है वो क्या है वो गर्म क्या होता है दोस्तों गर्म यानी कि ये फिनोमेना है जो कि महासागर के ऊपर होता है गर्म की वजह से वो बताओ क्या बता रहा है एल लीनो एक छोटा सा लड़का होता है बोले चलिए ठीक है तो ध्यान रखना एल लीनो भी जो है ये एक एबनॉर्मल ये नॉर्मल नहीं होता है दोस्तों एक एम एबनॉर्मल वॉर्म सरफेस समझना यानी कि सतह जो होती है उसकी महासागर की उसको गर्म कर देता है एक एबनॉर्मल प्रोसेस है उसको बोलते एल हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट से आंसर बताएंगे तीस सेकंड में गूगल के हिसाब से अगर पढ़ाई करके जाओ तो जाने एग्जाम में क्या क्या लगा के आ जाओ वो कह रहा है एल नीनो दक्षिणी अमेरिका में एक छोटा लड़का होता था अरे हमें क्या करना छोटा है कि बड़ा यार चलिए समय समाप्त आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए देखो भाई पहले सीधा सीधा कर लें दोस्तों आपको माइनस का वन जा रहा है दोस्तों अगर ये माइनस का वन है तो यहां भी माइनस का वन होना चाहिए यानी कितना आना चाहिए आपके पास आर आना चाहिए तो आपको भी हाँ सर आ रहा है यार मैंने कहा ठीक है भाई ये भी हटा दो ये भी हटा दो सीधा सीधा फॉलो कर रहा है अच्छा क्यू से दोस्तों आ जा रहा है कितना है बोले से रहा, बोले से प्लस का वन जा रहा है तो इसमें भी दोस्तों प्लस का वन मार देंगे और यानी वेरी गुड हम बिल्कुल सही जा रहे हैं वेरी गुड आगे चलते दोस्तों क्यू से दोस्तों वी सत्रह से बाईस सत्रह से बाईस यानी कि प्लस का पांच सत्रह पांच बाईस इसमें भी प्लस का पांच करेंगे सत्रह पांच फिर से बाइस आएगा दोस्तों वी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यस 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 ढक्कन के ढक्कन ही रहोगे कसम से जितने लोग भी इसका आंसर डी लगा रहे हो क्यों क्योंकि आप मेरी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हो मैंने क्या बोला आपसे हमेशा कि भैया मेरे पहला वाला शब्द तो कम से कम पूरा चेक कर लिया करो भले ही दूसरा वाला मत करो लेकिन पहला भी अधूरा करोगे उसके बेसिस पर दूसरा भी अधूरा करोगे तो यही करवाएंगे हम आपसे इसको कहते हैं उल्लू बनाना और भाई साहब एग्जामिनर ऐसा उल्लू बनाएगा ना जबरदस्ती के नंबर चले जाएंगे ये क्या है ये है दोस्तों मिराज फॉर्मेशन उल्लू बनाना दिख रहा है बट हो नहीं रहा है क्यों ऐसा क्यों आओ देखो बताता हूं एन से चले गए डब्लू एन क्या है चौदह और तेईस यानी कि प्लस का क्या हो गया नौ जरा इसमें मारो जरा प्लस का नौ चौदह प्लस नौ कितना आना चाहिए दोस्तों डब्ल्यू देखो जरा आ रहा है डब्ल्यू बोले हाँ सर आ तो रहा है डब्ल्यू और ये तो सही में फॉलो कर गया नहीं अभी कहाँ फॉलो कर अभी लास्ट वाला भी तो चेक करे मैं तो डर गया यार सच में फॉलो कर रहा है क्या हमने क्या हमने तो उल्लू बनाया था हम खुद ही उल्लू तो बन रहे अच्छा लास्ट वाला भी चेक कर ले। रुको, रुको रुको लास्ट वाला भी तो चेक कर लो अच्छा दोस्तों पर वी से जी आप अब सत्रह से सॉरी बाईस से कितना जा रहा है सात अब बाईस से सात का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का पंद्रह हो सकता है हो सकता है अब दोस्तों आप इक्कीस में माइनस का पंद्रह घटाओगे तो बताइए इक्कीस में पंद्रह घटाने पर छह का मतलब दोस्तों यहाँ पर एफ आना चाहिए ई नहीं आ सकता तो ये हो गया रॉन्ग यानी कि ये समझ लो कि आपने ज्यादा भी चला के दिखाओगे आकाश सर का क्वेश्चन है तीसरा भी चेक करो तीसरे में भी पटक लिया कुछ नहीं दी एक और हमने उसमें भी पटक लिया लास्ट वाले में जाके दोस्तों आपको पता चला कि गलत हुआ मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों कभी भी ऐसी गलती मत करना पहला वाला प्लीज पूरा चेक करके देखो उसके बेसिस पर दोस्तों दूसरा चेक करो लास्ट में जाके बिल्कुल गलत हुआ है और अगर ऐसी गलती करी तो सोचो कितना खल जाएगा जबरदस्ती का नंबर चला गया तो आइए समझते हैं इसमें क्या हो रहा है तो आपको पता है दोस्तों कि जब सीधी सीधी बात नहीं चलती है तो क्या करते हैं तेरा करते क्रॉस करते तमराज किलविश बन जाते ऐसे करके अब दोस्तों तमराज किलविश बन जाओ क्रॉस करो y बनाना है g बनाना है बीच में है r v w चलो करते हैं z से दोस्तों g अब ये होता है दोस्तों z से g मतलब क्या हुआ प्लस का सात होता है z प्लस ठीक है q से दोस्तों w q यानी कि 17 17 में दोस्तों 6 जोड़ा तो ठीक है q से फिर v प्लस का 5 फिर n से r प्लस का 4 और फिर v से y प्लस का 2 आपको दिख रहा सॉरी प्लस का 3 आप कह सकते हो दोस्तों 7 6 5 ये एक पैटर्न बना है बहुत बढ़िया बना है तो यहां भी क्या करेंगे सात छह पांच चार तीन देखो जरा फटाफट से इक्कीस में दोस्तों तीन जोड़ा तो एक्स बनेगा अब जो आंसर लग रहा था वो तो हो ही नहीं सकता कभी और लास्ट में जोड़ दो भैया दोस्तों यहां पर उन्नीस प्लस सात हो जाएगा पच्चीस यानी कि वाई आंसर बोलो जल्दी से ऑप्शन नंबर ए इस दा कर एक, फिर, फिर, फिर एक से एक सेकंड उन्नीस प्लस सात छब्बीस माफी चाहूंगा दोस्तों उन्नीस प्लस सात छब्बीस छब्बीस मतलब कि जेड आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी कितने लोगों का बी आ गया बहुत बढ़िया आई बात समझ में क्या बात समझ में आई लॉजिक नहीं लॉजिक तो बात की बात है पहले गलती नहीं करना ठीक है क्या करना है ये सब बताएंगे क्या नहीं करना है ये बहुत कम लोग बताते हैं इसको ध्यान रखना <coughs> सर आप लोगों ने तो डी वालों की होए होए कर दिया इसीलिए कहता हूं कि पायरेटेड यूट्यूब मत देखा करो ये नकली यूट्यूब देख रहे हैं इनके नकली यूट्यूब में होए चल रहा है होए होए नहीं वो मोए मोए है अड़तीस से क्या बनाना हैच्ची बनाना दोस्तों है। अड़तीस से पच्चीस कैसे बना सकते हैं देखो सिंपल है अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं तीन इंटू आठ चौबीस और चौबीस में एक जोड़ा तो कितना आ जाएगा दोस्तों तो पच्चीस हो जाएगा इसके बाद यहां पर क्या कर सकते हैं आठ इंटू छ अड़तालीस प्लस एक उनचास ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन लो अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ध्यान से लगाना भाई सभी लोग 30 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर पूरी क्लास का 1% व्यक्ति भी सही से मार दे भाई मजा आ जाएगा हालांकि आप मार लोगे लेकिन लॉजिक सही बता दो तो अच्छा लगेगा तुक्का कब कब तो घर मारोगे मुझे पता है लगाओ सुमति सुमति कह रही है, सर एक बार गाना सुना दीजिए सर 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 प्लीज सर, प्लीज एक बार गाना सुना दीजिए ठीक है सुमति मैं इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारे लिए जरूर एक गाना सुनाऊंगा चलो तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया भाई किसी ने आंसर दिया रिपेयर और किसी ने आंसर दिया सी पहले देखो समझो कि लॉजिक है क्या देखो भाई पहले का संबंध दूसरे से और उसी प्रकार से तीसरे का चौथे से पहले का दूसरे कैसे संबंध है मेंड का मतलब होता है सुधार दोस्तों आपको पता है मेंड सुधार मेंड जो शब्द है ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है मोची मोची जाते जाती तो वो क्या करता है जूतों की मेंडिंग यानी उसको क्या करता है जो खराब हो गया है उसको फिक्स करता है दोस्तों ध्यान रखना मेंडिंग जो है वो किसी चीज को फिक्स करने के लिए होता है फिक्स का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना तो सिलाई मशीन को स्विंग मतलब सिलाई तो सिलाई को ठीक करने के लिए फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है मेंडिंग करना पड़ता है मेंड इसी प्रकार से दोस्तों एडिट करना पड़ता है किस चीज को एडिट करना पड़ता है जब आप दोस्तों अपनी किसी भी प्रकार की मेन्यू स्क्रिप्ट मेन्यू स्क्रिप्ट एक प्रकार से कोई मान लो कोई वर्क वर्ड की फाइल है कुछ भी है कोई स्क्रिप्ट है तो उसमें जो दोस्तों गलतियां हैं उसको फिक्स करने के लिए क्या करा जाता है एडिट किया जाता है करते कि नहीं करते हम लोग एडिट तो इसलिए आंसर हो जाएगा मेन्यू स्क्रिप्ट रिपेयर नहीं आएगा मेन्यू स्क्रिप्ट इज द करेक्ट आंसर समझ गए सभी लोग अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन समय मिलेगा तीस सेकेंड उड़ाइए और लास्ट के दो तीन क्वेश्चन दोस्तों इतने शानदार हैं और इतने बढ़िया एनिमेशन और पिक्चराइजेशन के साथ मैं आपको उसको समझाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगी रीजनिंग की है, हम इस लेवल से पढ़ सकते हैं क्या कभी तो उसके लिए जरूर उस लास्ट के क्वेश्चन को जरूर देखना ठीक है सर जी ये क्लास ग्वालियर कोचिंग की है क्या नहीं ये क्लास तो ग्वालियर कोचिंग की नहीं है बेटा लेकिन इस इस YouTube चैनल पर एक सर हैं हरीश तिवारी सर जी के जी पढ़ाते हैं आपको जो कि ग्वालियर के बहुत ही फेमस टीचर हैं इधर देखे तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें ध्यान से तो ये चार है ये छह है ये सात है ये आठ है बनाना मुझको क्या है बहुत बड़े नंबर दिख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये देखो यहां पर चार ही अल्फाबेट है जबकि यहां पर बहुत सारे नंबर हैं तो इसका मतलब दोस्तों आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये दिमाग लगाओ कि भाई ये देखो बत्तीस जैसा छत्तीस जैसा अट्ठाईस जैसा सोलह जैसा तो देखो चार नंबर बन गए तो आप कहोगे सर चार इंटू आठ छ इंटू छ सात इंटू चार और आठ इंटू दो यानी कि आठ छे चार दो का मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर भी क्या करेंगे आठ आठ छे चार दो का मल्टीप्लाई कर देंगे सात अट्ठे छप्पन यहां से आ गया तो ये आंसर नहीं हो सकता ये आंसर नहीं हो सकता और उसके बाद दोस्तों अगर हम चलते हैं तो नौ छ का चौवन उसके बाद दस चार चालीस चालीस कहां पे नहीं मिल रहा है मेरे ख्याल से इसमें नहीं आंसर कौन सा होगा ए ऑप्शन हमारे पास करेक, करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए आ गया भैया आंसर चलिए अगला क्वेश्चन लो अगला प्रश्न लो, तीस सेकेंड यह आज का वन ऑफ द बेस्ट लॉजिक में जा सकता है वन ऑफ़ द बेस्ट लॉजिक तो इसको दोस्तों अपन लोग आज जो है ऑस्कर के लिए ऑस्कर के लिए भेज सकते हैं ना इस लॉजिक को अगर अच्छा लगे तो बताना इसको ऑस्कर के लिए सम्मानित करने को भेज देंगे वहां पर मिले ना मिले वो अलग बात है लेकिन भेज देंगे अपन भेजने में अपन का क्या जा रहा ठीक है बीस रुपए उसको रिक्शे का किराया दे देंगे वो निकल जाएगा अपना ठीक है इसको भेज देंगे अपन चलो अगर अच्छा लग लगे तो बताना इसको भेज देंगे अपन रिक्शा से इधर देखो दोस्तों पर है दो सभी लोग फटाफट से एक से चार बनाना है तो आपको सर देखो बहुत ही बड़ा नंबर है बहुत ही छोटा नंबर बनाना है अच्छा तो कैसे बना सकते हो मैंने क्या बोला एक बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं हमेशा नहीं मैं बेसिकली कहना होते तो बहुत सारे हो सकते हैं बट बेसिकली है कैसे या तो उस नंबर को आप डिवाइड कर दो या तो माइनस कर दो या फिर दोस्तों स्प्लिट कर दो स्प्लिट का मतलब होता है कि बीस से सभी नंबर को तोड़ दो कि जैसे एक अलग है दो अलग है तीन अलग है ठीक है दोस्तों अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या काम बनेगा नहीं किसी भी प्रकार से डिवाइड करने पर चार नहीं आ सकता यह आपको पता है क्या माइनस करने पर बोले सर कितना ही माइनस करोगे उसमें सीधे सीधे माइनस अगर देखे तो एक सौ उन्नीस हो हो रहा है लेकिन यहां पर एक सौ उन्नीस का माइनस करने पर बात नहीं बन रही है आपको दो सेकंड में पता चल जाएगा तो अगर ये भी काम नहीं किया ये भी काम नहीं किया तो कह रहा स्प्लिट करके देखो जरा अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं एक दो और तीन कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को ध्यान से देखो कुछ दिखाई दे रहा है देखो जरा देखो जरा देखो जरा इसको डिवाइड करो दोस्तों ये बारह है और ये तीन है डिवाइड कर दो चार आया मजा इसको देखे ना जरा सभी लोग ध्यान से ये दोस्तों डिवाइड कर दो चार से ट्वेंटी थ्री क्या बात है ये कितना है ये है बहत्तर किससे डिवाइड कर दें छह से कितना आंसर आना चाहिए बारह ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है आया मजा भाई क्वेश्चन में अजीत कुमार दीपिका विशाल चार्ली बिल्कुल सही है भाई चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने समय मिलेगा बीस सेकंड फटाफट से लगाइए अगर गौशाला का संबंध दोस्तों गाय से है और ध्यान रखना गौशाला को इंग्लिश में बायर बोलते हैं अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है लेकिन ध्यान रखना इंग्लिश में भी कभी कभी एग्जाम में जब आएगा तो आपको याद रखना चाहिए हो सकता है आपको काम आ जाए तो भाई गौशाला का संबंध अगर गाय से यानी कि बायर का संबंध काउ से है कैसे तो बोले सर गौशाला जो है वो हाउस होता है किसका हाउस होता है जानवरों का मतलब कि गाय का अब ध्यान रखना भाई सभी लोग ध्यान से दोस्तों एनिमल यानी कि जानवर से एग्जाम में बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कैसे एनिमल यानी कि जानवर और उनके छोटे बच्चे जिसको बोलते हैं दोस्तों यंग वंश जैसे कि मैंने बोला अगर कुत्ते का छोटा बच्चा दोस्तों पपी है तो बताइए उसी प्रकार कैट के छोटे बच्चे को मतलब कुत्ते का संबंध पपी से तो कैट का क्या तो आपको दोस्तों कैट का भी छोटा बच्चा पता होना चाहिए जिसका नाम होता है किटन सही नहीं सही है इसी प्रकार से तो आपको पता है काऊ का काउ का छोटा बच्चा क्या होता है काऊ के छोटे बच्चों को काफ बोलते हैं क्या बोलते हैं काफ इसी प्रकार से मैंने अच्छा बताओ डियर यानी कि हिरन थी हिरन के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं लेम्ब यानी कि मेमना बोलते हैं ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इसी प्रकार से दोस्तों जानवर जानवर और उनकी आवाजों से भी क्वेश्चन आते हैं कौन सा जानवर किस प्रकार की आवाज निकालता है कौन सा जानवर किस प्रकार से चलता है यानी कि उनकी चाल के हिसाब से भी आंसर क्वेश्चन आते हैं जानवर और उनके दोस्तों घर के हिसाब से भी आंसर आता है जैसे कि ये आया हुआ है उसके बाद जानवर और उनका समूह यानी कि ग्रुप के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि मैंने अगर आपसे बोला कि बताइए दोस्तों मछली यानी कि फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं तो आंसर होगा दोस्तों स्कूल और एक आंसर होगा शोल दो आंसर होते हैं इसके यानी कि मछलियों के दो जो ग्रुप होता है उसके दो नाम होते हैं एक शोल और एक स्कूल क्यों होते हैं जो स्कूल होता है दोस्तों उसमें जो ग्रुप बनता है मछलियों का झुंड बनता है उसमें सभी के सभी जो मछलियां हैं वो एक ही दिशा में होती हैं सेम डायरेक्शन तो उसको स्कूल बोलेंगे और अगर कोई ऐसा मछलियों का झुंड है जहां पर मछलियां तो सब झुंड में है लेकिन सबकी सब अलग अलग दिशाओं में दोस्तों घूम रही है टहल रही है इसको शोल बोलेंगे उसके बाद अगर कभी आपसे पूछा गया बताइए उल्लुओं के समूह को क्या बोलते हैं तो याद रखना पार्लियामेंट बोलते हैं जी हां बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों कि उल्लुओं के समूह को यानी कि उल्लुओं के झुंड को क्या बोलते हैं पार्लियामेंट दोस्तों उल्लुओं का जो झुंड होता है वो कहां मिलता है पार्लियामेंट में मिलता है नहीं मतलब पार्लियामेंट होता है उसका नाम होता है इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं एंट यानी कि दोस्तों चीटियां तो चीटियां जो जहां रहती हैं उसका घर क्या होता है उसको दोस्तों कॉलोनी बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉलोनी इनके झुंड को कॉलोनी बोला जाता है तो ये बहुत सारी चीजें जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है समझ गए तो आप बताइए दोस्तों स्टाई स्टाई जो है याद रखना सुअर के घर को बोला जाता है किसके घर को बोला जाता है सुअर के घर को बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर समझ में आ गया अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन तमें मिलेगा तीस सेकंड। ठीक है प्लीज आप लोग सभी लोग पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है हाँ आपने बिल्कुल सही बोला बेटा अच्छा याद दिला दिया डियर के बच्चे को फोन बोलते हैं डियर के बच्चे को फोन बोलते हैं माफी चाहूंगा और लैम्ब जो है वो सॉरी 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 माफी चाहूंगा दोस्तों शीप ठीक है शीप जो होती है मतलब भेड़ सॉरी भेड़ भेड़ के बच्चे को मेमना यानी कि लैम्ब बोलते हैं और डियर के बच्चे को यानी कि हिरन के बच्चे को फोन बोलते हैं प्लीज इसको करेक्शन कर लीजिएगा सभी लोग यहाँ पर डियर के बच्चे को दोस्तों फोन बोलते हैं और यहां पर जो आपका शीप आता है मैं शीप और इसमें हिरन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था जो तो शीप के दोस्तों बच्चे को लेम्ब यानी कि मेमना बोलते हैं ठीक है चलिए इधर आ जाइए

अब बताओ क्या लगेगा आपको पता जब इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं बनता सारे के सारे दरवाजे बंद सारे के सारे दोस्तों जो रास्ते वो बंद आपको मिल गई उदासी सब निराश, हताशा, तो कौन आता है दोस्तों आपके काम तो दोस्तों आपके काम आता है ट्रेंडिंग लॉजिक क्या काम आएगा ध्यान रखना ट्रेंडिंग लॉजिक और ट्रेंडिंग लॉजिक का मतलब कि जब हम सभी के सभी लेटर्स को कैसे अरेंज करते हैं लेटर को अरेंज करो अल्फाबेट के ऑर्डर में कैसे अरेंज करो अल्फाबेट के ऑर्डर में यानी कि ए बी सी डी के क्रम में अरेंज कर दो। तो दोस्तों सी तो ले, उसके बाद जे उसके बाद पी फिर दोस्तों फिर आपका टी अब देखो अल्फाबेट के ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या अब मैं ये बना सकता हूं देखो जरा एल एन यू आर और ये कोई अपने मन का बनाया लॉजिक नहीं है इक्कीस और बाइस में एस एस सी के पेपर में सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था ठीक है इधर देखो क्या कर देंगे माइनस का दो इधर पे प्लस का दो माइनस का दो प्लस का दो और माइनस का दो बन गया भाई आंसर सेम यहां भी कर देंगे सबसे छोटा लेटर कौन सा बनेगा अपने पास जी एल पी क्यू आर ठीक है तो पहले करेंगे माइनस का दो यानी कि ई फिर प्लस का दो यानी कि दोस्तों एन फिर माइनस का दो यानी कि फिर से एन तो ई के साथ डबल एन चाहिए दो जगह दिख रहा है फिर दोस्तों प्लस का टू सत्रह दो एस ई के साथ डबल एन और एस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कितने लोगों का भाई सही आ गया सर आज एंड में बता दीजिएगा प्लीज मैंने आपका बैच सिक्स नाइन नाइन वाला परचेस किया है फाउंडेशन बैच रीजनिंग का उसमें शेड्यूल शो नहीं कर रहा है और ना ही आपकी अपकमिंग लाइव क्लासेस आ, बिल्कुल शो कर रहा है बेटा आ, और उसका जो शेड्यूल वगैरह वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा और जो क्लासेस हैं उसकी आ, जो आपकी आपने जो बैच लिया है वो चल रही है इस समय चार बजे ठीक है आज भी हुई थी कल भी हुई थी परसों भी हुई थी रोज हो रही है आपको अब कमिंग इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि उस पर जो क्लासेज है वो आपकी मंडे टू फ्राइडे चलती है कल और परसों नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा होगा बट अगर आप वहां जा रहे होगे तो आपको आज की रिकॉर्डेड क्लास भी दिख रही होगी पिछली सारी क्लासेस दिख रही होंगी है ना तो एक बार इसको देख लेना और समझ लेना चलो अगला साइलेंट hmm. ऑब्जर्वर कह रहे हैं सर ये तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है इससे स्पीड तो नहीं बढ़ेगा तो आप 11 बजे से 12 बजे वाली क्लास भी स्टार्ट कर दीजिए ना सर हाँ हाँ क्यों नहीं बिल्कुल एक काम करते ना अपन 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक रोज जगराता कर लेते हैं रीजनिंग का जगराता सेशन महामेराथन चार घंटे डेली पूरे साल ठीक है ऐसा कर लेते हैं अपन कर लेते हैं अपन ठीक इधर देखो आठ से चवालीस कैसे बना सकते हो दोस्तों आठ से चवालीस बोले आठ छ का अड़तालीस अड़तालीस में चार माइनस करो ये आ रहा है आ तो रही है अच्छा क्या यहां ऐसा हो सकता है बोले सर बहत्तर का गुणा 6 में करके चार माइनस क्या बात बनेगी देखो जरा सत्तर और 6 चार 420 बीस चार बीस बारह और माइनस का चार तो दोस्तों चार सौ अट्ठाईस आंसर आना चाहिए जो कि हमारे पास आंसर नहीं है ऑप्शन में अब दोस्तों अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप मुझे बताओ क्या कर सकते हो बोले सर ये तो बेकार हो गया मैंने कहा बेकार थोड़ी हो गया आपने छ का गुणा माइनस चार करके चवालीस निकाला ठीक है नहीं बना तो भैया मुझे एक बात बताओ कि आठ का गुणा छे में करके माइनस चार करके भी चवालीस बनाया जा सकता है और आठ का गुणा पांच में करके प्लस का चार जोड़ करके चवालीस नहीं बनाया जा सकता है। देखो लॉजिक कभी भी एक जैसा नहीं होता लॉजिक सोचना पड़ता है और लॉजिक सोचने के लिए मैं बैठा हु यहां पर आपके सामने और मैं आपको रोज दोस्तों बताऊंगा कैसे सोचना है मैं आपको रोज बताऊंगा कितने सारे लॉजिक हो सकते हैं बात समझ में आ रही है आपको केवल इस क्लास में आके ध्यान देना है बस जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना है अपनी कॉपी पर और रोज उसको रटना है मतलब रटना है, देखना है कि मैंने क्या बोला तो दोस्तों एक काम करो ना ये वाला फॉलो नहीं किया तो ये वाला करके देख लो अच्छा अगर ये है तो इसको भी करके देखते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो बहत्तर का गुणा पांच में और प्लस का चार तो सत्तर तीन सौ पचास ही आ जाएगा मेरे ख्याल से अब बन जाना चाहिए और उसके बाद पांच धोनी दस तीन सौ साठ और माइनस का चार तीन सौ चौवन आंसर आ रहा है क्या नहीं सॉरी प्लस का चार आ रहा है इस बार सॉरी तो जाएगा तीन सौ साठ और तीन सौ चौसठ थ्री सिक्सटी फोर शुड बी द करेक्ट आंसर जो अरे यार अभी भी नहीं बना है अभी भी नहीं बना तो कब बनेगा फिर कल बनेगा क्या सही तो किया यार अच्छा चलो सर कोई बात नहीं सर एक काम करते हैं ना अभी भी तीन सौ चौसठ बना अभी भी ऑप्शन में आंसर नहीं है तो फिर एक काम करते हैं हम आपकी बात याद करते हैं जो आपने रोज बताई क्या बताई आपने रोज बात कि भाई ये जो मैं अप, ये जो मैं जोड़ रहा हूं या जो मैं घटा रहा हूं ये या तो मैंने अपने मन से जोड़ा होगा बात समझ में आ रही और अगर अपने मन से होता तो मैंने यहां भी यही कर दिया बट यहां तो फॉलो नहीं कर रहा है यहां तो फॉलो नहीं कर रहा है तो दूसरा चीज आपको क्या बताई थी कि अगर दोस्तों यहां पर जो मैंने जोड़ा घटाया मल्टीप्लाई किया अगर वो अपने मन से नहीं है तो फिर एक काम और करो भाई समझना मेरी बात को एक काम और करो क्या कि आप आठ पंचे चालीस और इसमें दोस्तों चार जो जोड़ा है वो आप पहले नंबर से बना दो वो आप पहले नंबर से बना दो वो आप पहले नंबर से बना दो समझना मेरी बात ध्यान से सभी लोग तो यहां पर दोस्तों आठ से आधा कर दो कितना मिलेगा चार आठ पंचे चालीस और चार कितना हो जाएगा दोस्तों चवालीस हो जाएगा मेरी बात समझना सभी लोग अच्छा अगर ये सही है तो मुझे बताओ बहत्तर का गुणा पांच में और इसमें कितना जोड़ दो बोले बहत्तर का आधा पहले ही नंबर से दोस्तों बना देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई ये तो हो जा रहा था आपके पास साढ़े तीन सौ और दस भाई सत्तर इंटू तीन सौ पचास और दस कितना हो गया भाई आपके पास तीन सौ साठ सही तो कर रहे हैं अरे सही तो कर रहे हैं तीन सौ साठ ये आ गया और प्लस कितना हो गया छत्तीस कितना आ जाएगा थ्री नाइनटी सिक्स ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है पहले भी सही था अब भी सही है पहले भी सही था अब भी सही है आ रहा है कि नहीं आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लगाएंगे आंसर सभी लोग 20 सेकंड। उड़ाओ जरा इसको सभी लोग जल्दी से देखो दोस्तों ये कह रहा है आइसिंग केक रिबिन यार एक दो लोग कह रहे हैं सर आपने पिछला वाला कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ की एक सेकंड रुको देख लेता हूं दोस्तों मुझे मेरी मैथ पर 100 परसेंट भरोसा है मैं कभी सही कर ही नहीं सकता मैं जरा देख लू खुद को यूट्यूब पे नहीं सही तो किया था यार कैसी बात कर रहे हो यार मैंने इससे पहले किया था बहत्तर गुणे पांच प्लस का चार तो भैया मेरे बहत्तर गुणे यार तुम लोग को यार पता है वो नहीं है मैथ वैथ आती नहीं है मैंने इससे पहले पता क्या किया था मैंने इससे पहले ये वाला लॉजिक लगाया था तो मैंने क्या किया था बहत्तर गुणे पांच और प्लस का चार अब मेरा दोस्तों मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है सत्तर का पांच में गुणा किया तो तीन सौ पचास और दो का पांच में गुणा किया तो दस आ गया तीन सौ साढ़े बन गया चार ये जोड़ दिया कितना आ गया आपके तीन सौ चौसठ सही तो किया था कैलकुलेशन तो सही था यार मेरे मैथ के ऊपर शक मत किया करो दोस्तों पता है मैं ये सारी कैलकुलेशन करने से पहले अपने दिमाग में इन सभी के आगे दोस्तों डबल इंटीग्रेशन लगा लेता हूं क्योंकि आपको पता है कि मैं डबल इंटीग्रेशन और थीटा के नीचे काम ही नहीं करता तो बस मैं ये जैसे ही लगाता हूं ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है मैं कर देता हूं उसको अगर ये नहीं होता तो फिर मैं गलत कर लेता हूं चलो फिर अगला क्वेश्चन हाँ जी क्या किया आपने उसमें आइसिंग का संबंध केक से है दोस्तों आप समझते हो आइसिंग केक क्या आप सभी को दोस्तों पता होगा केक क्या होता है हैप्पी बर्थडे वाला होता है दोस्तों हैप्पी है, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी के के तो वो उसको आइसिंग बोलते हैं तो रिबिन दोस्तों किसको बोलते हैं रिबिन बोले सजावट होती है किसके ऊपर किसी भी प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट के ऊपर तो उपहार के ऊपर की गई दोस्तों सजावट को क्या बोलते हैं रिबिन बोलते हैं अब बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बॉक्स लगा दिया डिब्बा ये बताओ क्या जिंदगी में हमेशा डब्बे के ऊपर ही दोस्तों आपने ये रिबिन लगाया है क्या मतलब क्या डब्बे के अलावा कोई और गिफ्ट नहीं होता साड़ी भी गिफ्ट है पैंट शर्ट भी उसके ऊपर रिबिन लगा दो मान लो आपने कुछ और फुटबॉल दे दी ऐसी उसके ऊपर मतलब डब्बे के ऊपर रिबिन लगाओगे डब्बे के हाँ सर हमने तो सर डब्बे के ऊपर हमेशा गिफ्ट दिया हमने तो गिफ्ट दिया ही हमेशा जिंदगी में डब्बे के ऊपर डब्बे में अंदर रख के क्योंकि सर होता है देखो सर चक्कर क्या है कि हमारे पास चुनिंदा दो चार ही गिफ्ट होते हैं जो हमको पसंद नहीं आए वो हम दूसरे को चेपने हैं अब क्योंकि देखो हमारे पास चाहे ऐसा गिफ्ट हो चाहे ऐसा गिफ्ट हो चाहे कैसा गिफ्ट हो हम उसको चोखो डब्बे में बंद कर देते अगला समझता बहुत बड़ा सा कुछ आ गया उसको पता नहीं चलता क्या है उसको डाके के चेप देते तो हमने जब गिफ्ट आज तक दिए डब्बे में उसी के ऊपर रिबिन लगा के तो हम क्या करें हमको वही पता तो हमने वही लगा दिया अगला क्वेश्चन क्यों सही है कि नहीं सही है सर मैथमेटिक्स uh, में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है नहीं तो वो पुरस्कार आपको मिलता <laughs> देखो अगर मुझे वो पुरस्कार मिलता भी ना तो भी मैं उसको शायद लेना ना जाता क्योंकि देखो मेरी एक दोस्तों उसूल है कुछ ज़िंदगी के कि जो चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ बहुत अच्छा हूँ मैंने कभी उस चीज़ पर घमंड नहीं किया तो मैंने कभी अपनी मैथेमेटिक्स में घमंड नहीं किया दोस्तों तो इधर देखो भाई एस का उल्टा एच होता है टी का उल्टा जी होता है ये कितना हो गया आठ ये कितना हो गया सात आठ सात कितना होता है पंद्रह पंद्रह का स्क्वायर कितना होता है दो सौ पच्चीस अब आपको सर आपने यही क्यों किया अब ये क्यों वाली जो बात है यही चीज मैं आपको पिछले जाने कितने महीनों से और दिनों से समझा रहा हूं कि क्यों किया क्योंकि दोस्तों यहां पर मुझे दिख रहा है दोस्तों 25 15 का स्क्वायर होता है तो 15 मुझे इससे बनाना है 19 और 20 से मेरे पास 15 नहीं बनने वाला तो आपको मैंने बताया कि एस के पास दोस्तों दो वैल्यूज भी होती तीन भी होती है एक तो उसकी खुद की वैल्यू और एक उसके अपोजिट की वैल्यू के पास भी दोस्तों एक उसकी खुद की वैल्यू एक उसके अपोजिट की वैल्यू तो मैंने सोचा भाई इसको करके देख लेते हैं ये दिमाग चलाना पड़ेगा समझ में आई कि नहीं आई आपको बात समझ में आई कि नहीं आई आपको नहीं आई आप लोग खाली बोल रहे हो यस सर यस सर यस सर आ गई लेकिन आई नहीं आए आपको बात समझ में पता है बात समझ में आई नहीं बात समझ में आ जाती तो दोस्तों इतने सारे लाइक नहीं हो जाते 470 सौ सत्तर चार सौ पांच सौ लोग करीब देख रहे हो और लाइक खाली ढाई सौ तो बात कहां समझ में आई बताओ चलो तो इधर जाओ अच्छा सभी लोग ध्यान से एल का उल्टा ओ होता है और के का उल्टा कमला पसंद पी होता है ये सोलह और ये पंद्रह दोनों को जोड़ा तो इकतीस इकतीस का स्क्वायर नौ सौ इकसठ होता है मानते हो मेरी बात को अगला क्वेश्चन चलो इसको उड़ाओ आठ से बहत्तर कैसे बना सकते हैं जल्दी से लगाइए चलो देखो आपको सर सिंपल तो है आठ का मल्टीप्लाई नौ में कर दो बोले बहत्तर तो कर दो बोले ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है कितने ही लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक अच्छा जितने लोगों को एक नहीं मिला तो उन्होंने बोला सर ऑप्शन नंबर बी आंसर है बट एक होगा सर शायद वो मिस प्रिंटिंग कर दिया आपने तो एक सौ छत्तीसगढ़ छब्बीस लेके क्यों बड़े मतलब शातिर बहुत हो तुम लोग बहुत चालू हो किसने बोला कि यहाँ पर एक की छत्तीस एक ही लिखो नहीं हम तो एक ही लिखेंगे तो भैया मेरे इसका नौ में मल्टीप्लाई करने पर एक आना चाहिए बट वहां पर एक दिया है अब सोचो दूसरे तरीके से ये क्या है बोले सात प्लस दो नौ नौ में से एक घटाओ कितना मिलेगा आठ मिलेगा इधर आ जाओ चौदह बनाना है किससे बन सकता है दोस्तों चौदह इससे बन सकता है कैसे नाइनटी सिक्स नौ प्लस छह पंद्रह माइनस एक कितना बनता है चौदह बनता है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन समय मिलेगा 20 सेकंड फटाफट से आंसर सभी लोग जल्दी से अगर एमिनेसिया का संबंध मेमोरी यानी कि स्मृति से है तो पैरालिसिस का संबंध किससे होगा पैरालिसिस का संबंध किससे होगा दिव्या फौजदार राजेश दास आशीष अजीत बड़ी दुर्गा छोटी दुर्गा बगल वाले की दुर्गा गली बॉय गौरव समीर इधर सुनो मेरी बात ध्यान से एमिनेशिया क्या है बोले सर एक बीमारी है डिजीज है रोग है किसकी बोले मेमोरी लॉस की किसकी मेमोरी लॉस की जिसमें दोस्तों बुद्धि चली जाती है इसको क्या भी बोलते हैं इस बीमारी को बोलते हैं गजनी बीमारी कौन सी बीमारी गजनी बीमारी दोस्तों बताइए पैरालिसिस क्या है पैरालिसिस में उसको क्या चला जाता है पैरालिसिस में मूवमेंट यानी कि शरीर की किसी भी प्रकार से गतिविधियां रुक जाती हैं जो अंग होते हैं उसकी मूवमेंट रुक जाती है यहां पर आपकी मेमोरी रुक जाती है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काफी लोगों ने बोला सर अंग मतलब पैरालिसिस का संबंध किससे है बोले अंग से नहीं समझे बात को एमिनेसिया में क्या होता है मेमोरी यानी कि आपकी स्मृति चली जाती है पैरालिसिस में क्या होता है बोले सर उसमें अंग चले जाते हैं जैसे किसी को वो क्या हुआ अंग चले गए इधर उधर चले गए सब अंग चले गए बोले क्या दोनों बोले हाथ चले क्या हो गया बोले पैलेसेस हो गया धीरे से दोनों टांगे चली गई कहीं पर कल कल थी रात में अभी चली गई क्या हो गया बोले पैलेसेस हो गया था फिर धीरे से कान निकल गया फिर धीरे से मुंडी निकल गई मुंडी जा रही है कहीं पर बोले क्या हो गया बोले कुछ नहीं उसकी बॉडी को पैलेसेस हो गया तो मैं निकल लिया और मुंडी अलग भाग रही है अंग थोड़ी चले जाएंगे कहीं पर यार अंग तो वहीं के वहीं रहेंगे अंग हिलते नहीं है बस मूवमेंट नहीं करते हैं कुछ भी मतलब बुद्धि नहीं लगाते हो बिल्कुल भी यार चलो स्कूल आ जाओ देखो अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से करना सभी लोग यहां पर दोस्तों हमारे पास लेटर है यहां पर दो लेटर है एक नंबर भी है बीच में तो क्या सोच सकते हैं अरे सब तो दिख रहा है बी का उल्टा वाई होता बोले वाई क्यू का उल्टा जे होता है बोले जे अब बीच वाला 29 बनाना है किससे बना बोलो इससे बनाना है दोस्तों तो तो ये 12 होता है और ये 13 होता है दोनों को अगर हम जोड़ भी देंगे तो बोले 25 मिलेगा सर फिर 25 में हमको चार जोड़ना पड़ेगा तब जाके 29 आएगा अच्छा करके देख लेते हैं एच का उल्टा एस डी का उल्टा डब्ल्यू एस के साथ दोस्तों डब्ल्यू दो में दिख रहा है ये तो आंसर गैप नहीं हो सकता हटा दो अब लेकिन अगर मैं आठ और बारह को जोड़ता दोस्तों मुझे कितना मिलेगा बीस मिलेगा कितना मिलेगा बीस मिलेगा तो गलती से इसका आंसर है बीस वाला मत लगा देना क्योंकि यहां पर जो भी आया था जोड़ने पर उसमें चार और जोड़ा तो चार और जोड़ने पर दोस्तों चौबीस आना चाहिए चौबीस नहीं है मैंने चौंतीस लिख दिया जान के कुछ लोगों ने लगा भी दिया चौंतीस वाला अच्छा अब एक काम करते हैं कुछ और सोचते हैं देखो 34 वाले से लॉजिक सही नहीं जा रहा है अब एक बात बताओ अच्छा सभी लोग सोच समझ के ये भी ठीक है ये भी ठीक है हमने क्या कर दिया विपरीत यानी अपोजिट कर दिया अच्छा दोस्तों मुझे बताओ l का अपोजिट o होता है m का अपोजिट n होता है ये है पंद्रह ये है 14 इनको जोड़ें तो हमको 29 ही तो मिलता है वेरी वेरी गुड ये हो गया s ये हो गया दोस्तों w h का उल्टा s और l का उल्टा o हैं उन्नीस और पंद्रह कितना मिल जाएगा थर्टी फोर अब हमारे पास आंसर मिल जाएगा एस डब्ल्यू थर्टी फोर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है कितने लोगों का आ गया भाई आंसर बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आंसर जल्दी से एलविश उपाध्याय मान जाओ यार बेटा प्लीज यार पढ़ाई कर लो अब तो यार कम से कम तुम पिछले करीब करीब चालीस मिनट से एक ही मैसेज टाइप कर रहे हो लाल लाल मुंह दिखा के सर बारात जा रहा है बहुत तेज शोर हो रहा है गुस्सा आ रहा है मुझे बताओ कौन सी ऐसी बारात है कि तुम्हारी चालीस मिनट तक जा ही नहीं पा रही है? है क्या तुम्हारा घर क्या पूरा मतलब दो चार किलोमीटर के एरिया में बना है कि चालीस मिनट तक तुम्हें बारात नहीं निकल पा रही है या तुम्हारी ही बारात आई हुई है तुम्हारे घर पे रुकी हुई है इधर देखो सोलह से दोस्तों एक सौ तेईस बनाना है कैसे बना सकते हैं सोलह से एक सौ तेईस बोले बोले आसान है सोलह का स्क्वायर बोले दो सौ छप्पन होता है क्यों मैंने ऐसा सोचा क्योंकि ये नंबर एक सौ अट्ठाईस प्लस दो जैसा दिख रहा है क्योंकि हमें पता है सोलह का एक सौ अट्ठाईस से बहुत अच्छा लेना देना होता है ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं याद है दोस्तों सोलह से अट्ठाईस एक सौ अट्ठाइस क्या है उसके स्क्वायर का आधा होता है सोचना पड़ेगा इधर देखो तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें दो का आधा कर देंगे और दो और जोड़ देंगे एक सौ अट्ठाईस गुड इधर एक करके देख लें देखो भाई इधर करके देख लेते हैं इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 400 का दोस्तों आधा 200 और 200 में दो जोड़ा तो 202 दो वेरी गुड तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 28 के स्क्वायर का आधा और प्लस का 2 यानी कि दोस्तों सात का आधा और प्लस का टू करके बता दो होगा सात सौ चौरासी का आधा हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से थ्री नाइन फोर प्लस का टू नहीं थ्री नाइन टू प्लस का वो, 394 आंसर सी अगला प्रश्न अगला प्रश्न आंसर सभी लोग बीस सेकेंड एंपायर का संबंध अगर खेल यानी कि गेम से है तो इनमें से कौन सा सही होगा आप में से 50 परसेंट लोग इस कद्दू वाले क्वेश्चन को करने वाले हो गलत अगर एम्पायर का संबंध खेल से है तो दोस्तों बताइए सभी लोग फटाफट से इनमें से कौन सा सही होगा और यहां पर मैक्सिमम लोगों ने आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर बी किसी का सी किसी का डी तो मैंने बोला था ना गलत करोगे कोई कुछ लगा रहा है कोई कुछ लगा रहा है कुछ कुछ लगा देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा समझते हैं देखो दोस्तों एम्पायर का संबंध खेल से एम्पायर किसी भी खेल तो हर खेल में एम्पायर होता है एम्पायर दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस खेल के नियमों का उल्लंघन होने से रोकता है और डिसीजंस लेता है इसी प्रकार से मॉडरेटर किसी भी डिबेट में डिबेट यानी कि दोस्तों ये चर्चा बहस होती है जो तो किसी भी बहस में एक मॉडरेटर होता है जैसे मान लीजिए आजकल दोस्तों न्यूज वगैरह चलती है आपको पता है उस न्यूज में दोस्तों एक बीच में मॉडरेटर होता है जो अगल बगल वाले बैठे पैनलिस्ट जो होते हैं जो आए होते हैं दोस्तों उधर पे कार्यक्रम में गेस्ट तो वो जो चर्चा करते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं उनके सो देखते हैं कि, कि किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन ना होने पाए है ना सारी चीजें व्यवस्थित रहें तो देखो वो लोग दोस्तों क्यों नियमों का उल्लंघन रोक लेते हैं उनका काम ही होता है नियमों का उल्लंघन ना हो पाए क्यों क्योंकि वो जो खुद बैठे हैं ना वो खुद ही नियमों का उल्लंघन कर देते हैं कैसे पूछता है भारत तुम मुझे बताओ पूछता है भारत की तुमने अब वो अगला पूछ रहा है कि भाई हम बोलने तो बोले नहीं तुम बताओ मुझे पूछता है तो नियमों का उल्लंघन ये खुद ही कर देता है तो ये लोग कर ही नहीं पाते फिर नियमों का उल्लंघन ये एंपायर है मॉडरेटर है मॉडरेटर का काम ही है उससे बोलना है बताओ तुम बताओ लेकिन बोलने देता नहीं वो उसको तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन आ, सर जी बताओगे कि नहीं मुझे रीजनिंग का बैच लेना है कूपन कोड बताओ प्लीज़ सर जी मैं बार बार मैसेज कर रहा हूं बट आप इग्नोर कर रहे हो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए ठीक है पवन बहुत बहुत माफ़ी चाहूंगा कि मैंने आपको इग्नोर कर दिया एक्चुअली मुझे तुम्हारी शक्ल में अपनी एक्स की शक्ल दिखाई दे रही थी इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया पवन देखो वैसे तो कोई कूपन कोड नहीं है लेकिन अगर आपने मुझसे हेल्प मांगी है तो ज़रूरतमंद अगर हैं आप और अगर सच में आपको चाहिए तो आप एक काम करना आप आ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर होगा एक आप देखना एट जीरो जीरो एस, ऐसा कुछ करके मुझे आ, तो आप उस नंबर पे कॉल करना जो भी फ़ोन उठाए उसको बोल देना आकाशचर से मेरी बात हो गई है उन्होंने कोई कूपन कोड या किसी प्रकार की डिस्काउंट की बात करी है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए आपकी हेल्प एक हज़ार परसेंट करी जाएगी एक हज़ार परसेंट बस मेरा आप नाम लेना ठीक है और आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं ले लेना लेकिन रीजनिंग का कोर्स लेना मेरा तो उस पर कर दी जाएगी आपकी ठीक चलो इतना कर दिया मैंने ठीक है अब देखो सर फटाफट से देखो दोस्तों यहां पर के एल ओ पी से टी आर एन एल बना रहे हैं क्या कोई बता सकता है अपन ने कैसे किया इसको बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपने सीधा सीधा करके देखा बोले सर प्लस का नो आ रहा है ग्यारह प्लस ठीक है यहां पर दोस्तों प्लस का नो करोगे बात नहीं बन रही है इसका मतलब सीधा सीधा नहीं हो रहा आपने क्रॉस किया यहां पर एल बनना था प्लस का एक किया एल आ गया यहां पर दोस्तों अगर मैं प्लस का एक करूंगा तो हमारे पास एफ आएगा जबकि यहां पर जी है यानी कि क्रॉस भी नहीं चल रहा देखो बेसिकली दोस्तों देखो हर एक क्वेश्चन में बार 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 वही बेसिक्स बता सकता हूं मैं लेकिन समय भी जाता है आपने सीधा चेक किया उल्टा चेक किया क्रॉस सब कुछ कर लिया नहीं बना अब समझो मेरी बात ध्यान से बहुत अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है समझना दोस्तों देखो समझो अगर कभी ऐसी ऐसा ना काम करे तो आप ट्रेंडिंग लॉजिक लगा दो अगर वो भी काम ना करे तो आप अपोजिट करके देखो एक बार वो भी कर लिया करो ये चार पांच तरीके ही कॉमन है जो बार बार पूछे जाते हैं अगर आप अपोजिट करते हो तो के का अपोजिट पी एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल और पी का अपोजिट के अब सुनना ध्यान से मुझे बनाना है टी आर एन एल सोलह चार बीस पंद्रह प्लस तीन प्लस टू और प्लस एक कुछ बैठ रहा है क्या मैंने दोस्तों क्या कर दिया अपोजिट करके प्लस फोर थ्री टू वन कर दिया ठीक है सेम इसमें भी है सेम इसमें भी है समय वेस्ट नहीं करूंगा डायरेक्ट करूंगा इधर देखो आई का अपोजिट इंडियन रेलवे यू का अपोजिट एफ वाई का बी और सी का एक्स क्या कर देंगे प्लस का चार प्लस का तीन प्लस का दो प्लस का एक ये।, ये बन जाएगा दोस्तों वाई ये बन जाएगा आपके पास डी ये बन जाएगा आपके पास आई और अठारह चार बाईस आंसर हो जाएगा वी आई डी वाई ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न मैंने आपको दोस्तों हमेशा एक बात बोली है शायद आपको ध्यान आएगी कि आप अगर स्क्वायर और क्यूब को याद रखते हैं और रखना पड़ेगा तो मैंने बोला स्क्वायर और क्यूब को तो याद रखो ही रखो लेकिन स्क्वायर और क्यूब के दोस्तों जो करीब के नंबर होते हैं उनको भी लगभग याद रखो उनके पास वाले नंबर लगभग लगभग क्या आपको ये दो दोस्तों नंबर है क्या आपको तीन सौ चौबीस प्लस दो जैसा नहीं दिख रहा है क्या नंबर दोस्तों चार सौ माइनस दो जैसा नहीं दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा होगा तो फिर कि क्या बन गया बोले सर ये तो बन गया फिर हमारे पास अट्ठारह का स्क्वायर प्लस का कटू और ये हो गया दोस्तों बीस का स्क्वायर माइनस का टू कितने ही बार ये लॉजिक एग्जाम में रिपीट हुए है कितने ही बार हां बस वैल्यू चेंज हो सकती है थोड़ा बहुत मिर्च मसाला नहीं तो दोस्तों एग्जैक्टली सेम लॉजिक कितनी बार रिपीट हुआ है अगर आप ये चीजें कर रहे हो ना डेली आपको बहुत फायदा मिलेगा और सोचो अगर इसी प्रकार से आप पूरी रीजनिंग ही पढ़ लो तो फिर आ क्या गया फिर अब देखो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप पूरी रीजनिंग कैसे इसी प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो इसी प्रकार से पूरी रीजनिंग कैसे देखो अच्छा ये क्या है बोले सर ये 12 का स्क्वायर प्लस दो जैसा दिख रहा है तो फिर ये 14 का स्क्वायर माइनस दो जैसा होगा क्योंकि तो यहां पर 18 और 20 दो का डिफरेंस है 14 12 दो का डिफरेंस है तो यहां पर भी जो भी आएगा वो दो का डिफरेंस में आएगा अच्छा ये दोस्तों क्या है चौदह प्लस दो लेकिन ये कुछ नहीं बनेगा टा दो ये दोस्तों दो है यानी कि 17 माइनस दो है पहले माइनस नहीं चाहिए प्लस चाहिए यह भी नहीं आएगा और ये दोस्तों 16 प्लस दो ठीक है लेकिन वहां पर 18 प्लस दो वो भी हो गया यहां पर 18 माइनस दो होना चाहिए ये बैठा दो ऑप्शन नंबर डी आंसर आना चाहिए ये बन जाएगा आपके पास दोस्तों चौदह प्लस दो और सोलह माइनस दो बिल्कुल सही आ रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर अगला प्रश्न अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने फटाफट से आंसर सभी लोग लगाइए डीडीटी का संबंध अगर एवरीविएशन से है तो लेजर का संबंध किससे होगा मुझे पता है इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत करने वाले इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं क्योंकि तो पता ही नहीं होगा इसको करना कैसे डीडीटी का संबंध अगर एवरीबिएशन से है एवरीबिएशन का मतलब संचित रूप होता है उसी प्रकार लेजर का संबंध किससे होगा लेजर का संबंध दोस्तों किससे होता है देखते हैं कितने लोग बाप रे, तो बहुत सारे लोगों ने सही कर दिया तो तुम लोग तो होशियार निकले यार चलो दोस्तों समझते हैं क्या आप लोगों को पता है दोस्तों डीडीटी क्या होता है डीडीटी होता है तो तो दोस्तों डाईक्लोरोनाइल ट्राईक्लोरो लोरोन होता है कि नहीं होता है तो डीडीटी का दोस्तों होता है, है। ये क्या होता है दोस्तों सबसे पहला सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला कीटनाशक बनाया गया था लेकिन दोस्तों ये फसलों में जब डाला गया तो इसको बैन कर दिया गया क्यों कर दिया गया क्योंकि ये था नॉन डिग्रेडेबल यानी कि दोस्तों ये कभी खत्म ही नहीं होता था जैसे कि पोलिथिन होती है सदियों तक रहेगी कभी मतलब खत्म नहीं होगी जैसे मान लो कागज है या पेड़ वो खत्म हो जाते हैं लकड़ी लेकिन दोस्तों ये कभी भी खत्म ही नहीं होता नॉन डिग्रेडेबल तो अब जब इसको फसलों में डाला तो भाई कीटाणु तो मरे लेकिन फसलों के द्वारा ये उसमें चला गया पौधों में और फसलों में और वो जब हम लोग ने खाया तो हम लोगों के अंदर कैंसर और बीमारियां पैदा होने लगी इसकी वजह से दोस्तों इसको बैन कर दिया गया क्या आपको पता है कि सबसे पहला देश जिसने इसको बैन किया वो कौन था यूनाइटेड स्टेट्स और अभी इंडिया में भी दोस्तों इसको बैन कर दिया गया है और टोटल मिला के एक देशों ने इसको ऑलरेडी बैन कर दिया है समझ गए नहीं समझ गए अच्छा तो दोस्तों डी जो है वो एक प्रकार का संचित रूप यानी कि एवरीवेशन होता है किसका इसका एवरीवेशन होता है संचित रूप इसी प्रकार से दोस्तों लेजर जो है लेजर को क्या कहते हैं लेजर होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एम्पलीफिकेशन बाय स्टूम एमिशन ऑफ रेडिएशन सही है नहीं सही है दोस्तों ये हो गया लेजर का फुल फॉर्म फुल फॉर्म तो है बट ये इसको हम एवरीवेशन नहीं कहते इसको एक्रोनियम कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं क्लियर हो गया अच्छा लेजर दोस्तों कैसा दिखता है और डी कैसे दिखता है डीडीटी का दोस्तों इस प्रकार से आपका पूरा ये वो है आपका जो भी इसको क्या कहते हैं केमिकल फॉर स्ट्रक्चर और उसके बाद अगर मैं दोस्तों लेजर की लेजर सबने देखा होगा लेजर को इस प्रकार से दिखता है लेजर का जो फंक्शन होता है दोस्तों वो आपको पता होगा लेजर में क्या है कि जैसे किसी भी ग्लास के किसी भी ग्लास या कोई क्रिस्टल है या कोई गैस है जब उसके इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देकर एक्स्ट्रा लाइट की एनर्जी देकर उसको जब दोस्तों हम एक्साइट करते हैं एक्साइट मतलब उसको ऐसे कर देते हैं तो वो जब एक्साइट हो जाता है दोस्तों तो वो हिलने लगता है हिलने लगता है तो वो क्या करता है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है आगे इसीलिए वो लेजर की जो लाइट है वो इतनी तेज आगे निकल जाती है ठीक है चलिए ये इसका मतलब वो होता है फंडामेंटल होता है लेजर का अगला प्रश्न इसका आंसर लगाओ सभी लोग फटाफट से

सेशन अच्छा लगा है तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट में लिख कर बताया करिए कि सेशन कैसा लगा प्लीज ठीक है और आंसर देना इसके बाद आप जरूरी बातें कुछ कर लेते हैं फटाफट से जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि ज्वाइन हुए इस क्लास में मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग बेसिक से पूरा पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए चाहे वो रेलवे हो एस हो अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स हो आप इस चैनल पर सबकी तैयारी कर सकते हो ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत सारी चीजें होती कि जब बेसिक पढ़ते हैं तो बेसिक में बहुत डीप में बहुत गहराई में जाना पड़ता है और एक सिस्टेमेटिक तरीके से एक मतलब ए टू जेड तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है जिसके लिए एप्लीकेशन पर बहुत सारी क्लासेस है एप्लीकेशन का नाम क्या है क्विक ट्रिक्स बाय साइल सर एप्लीकेशन सेम नाम से ही है तो आप लोग अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी का दोस्तों बढ़िया तरीके से 2.0 एक बैच है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे टीचर्स हैं आपको पढ़ने को मिल रहा है और बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं अगर आप लोग एस के स्टूडेंट्स हैं और एस के दोस्तों मान लीजिए आप एस एस सी की तैयारी कर रहे हो या फिर सी की तैयारी कर रहे हो या एम की कर रहे हो या जी की कर रहे हो या सी की कर रहे हो या फिर दोस्तों फेज एग्जाम्स की कर रहे हो या जेई की कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए एसएससी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हो इसका नाम है दोस्तों एसआरबी बैच एसआरबी यानी कि एसएससी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच जहां पर इंग्लिश जीके के जी रीजनिंग और मैथ्स ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट या कुछ चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके एक बार बोल बता देना अगर जेन्यूनली आपको समस्या है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी ऐसी कोई बात नहीं ठीक है ये जो वैल्यू है दोस्तों ये वैल्यू आप जब बैच में जाओगे तो आपको आपको दिखेगा कि हाँ यार ये जो वैल्यू ली जा रही है हमसे इस वैल्यू में हमको दिया क्या जा रहा है फ्री डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं सभी की आप देख लेना आपको खुद समझ में आ जाएगा जाके आप देख लेना चेक कर लेना अगर आप अगले किसी भी दोस्तों इस एग्जाम को देना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो एक ही बैच है सभी एग्जाम्स की तैयारी है क्योंकि सबका सिलेबस सेम है पूरा बेसिक से फाउंडेशन कराएंगे और सबसे अच्छी बात की प्रैक्टिस सेशंस भी आपके वहां पर हो जाएंगे अगर आप रेलवे के स्टूडेंट्स हैं तो रेलवे का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच और आरबी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो तो इंग्लिश आता नहीं है ये चार सब्जेक्ट दोस्तों आपके लिए तीन फैकल्टी है चार सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे इसमें आप लोगों का आरपीएफ एल पी टेक्निशियन एन टीपीसी ग्रुप डी पैरामेडिकल जेई यानी कि रेलवे से संबंधित सभी के सभी एग्जामिनेशन को यहाँ पर कवर करा जाएगा बेसिक से एडवांस प्री प्लस मेन्स लेवल सब कुछ इसके अलावा अतिरिक्त आपसे कोई ना पैसा लेना है ना कोई बैच लेना है, ना कुछ करना है। सब कुछ इसी में कंप्लीट एक एक साल की वैलिडिटी है कर सकते हो ये नंबर दिया हुआ है इस पर आप संपर्क भी कर सकते हो ठीक है बाकी दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम मैथ्स जीके जीकेजीएस इंग्लिश में सब कुछ पढ़ चुके हैं हमें केवल सर रीजनिंग में दिक्कत आती है तो आप रीजनिंग के लिए यहाँ पर पढ़ सकते हो मेरे से यहाँ पर ये सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैं एक ही फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो फाउंडेशन बैच में मैं रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं कंप्लीट इस सिलेबस के बाहर रीजनिंग का एक भी टॉपिक नहीं होता है इसमें भी बहुत सारे और भी सब सब टॉपिक्स होते हैं जो मैंने यहां लिखे नहीं संपूर्ण टॉपिक यहां पर मैं करा रहा हूं इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका कोई भी एग्जाम होगा ना वो सारे कवर हो जाएंगे हर लेवल से पढ़ा रहा हूं आप फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हैं बढ़िया तरीके से तो अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर पर दोस्तों कॉल वगैरह भी कर सकते ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मिलते हैं अब आपसे कल फिर इसी टाइम पर कल एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है मैं आज दोस्तों लाना भूल गया माफी चाहूंगा कल दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सेशन है और वो सेशन रात दस बजे होगा कल रीजनिंग का कुछ अलग टाइप का सेशन आपको मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं आएंगे आप लोग भी आएंगे उसमें क्योंकि क्वेश्चन रीजनिंग के सब वही होते हैं हर एग्जाम में लेकिन बढ़िया लेवल के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कल का सेशन थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड होगा कल हम लोग ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जिसको भी आना वो आ सकता है रात को दस बजे ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मिलते हैं आपसे कल फिर तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें मजे से रहें पढ़ते रहें अपना ध्यान रखें शुभ रात्रि थैंक यू सो मच जय हिंद